दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेले जा रहे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस के लिए आज शुरुआत बेहतर नहीं रही, जहां टीम ने पावर प्ले में पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में गंवाया। ये सीजन रोहित शर्मा के लिए एक डिजास्टर कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस पूरे ही सीजन में कुछ भी खास कमाल नहीं किया है। आज भी रोहित शर्मा 2 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दौरान 13 गेंद खेली और मात्र 2 ही रन बना सके। आपको बता दें कि नौरखिया की गेंद पर रोहित शर्मा शार्दुल ठाकुर को आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित शर्मा ने इस पूरे ही सीजन मुंबई के फैंस को निराश किया है। उनके बल्ले से सीजन एक भी 50 नहीं निकला। रोहित शर्मा के आईपीएल करियर में ऐसा पहली बार हो रहा है आईपीएल के किसी एक सीजन में एक भी 50 ना लगाया हो। आपको बता दें कि इस सीजन रोहित शर्मा ने 14 मुकाबले खेलते हुए 268 रन लगाए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा का सर्वाधिक स्कोर मात्र 48 रहा और उनका औसत 20.46 का रहा। हालांकि अगर आज इस मुकाबले में रोहित शर्मा एक चौका लगा जाते तो वो T20 क्रिकेट में अपने 900 चौके पूरे कर सकते थे। इसके अलावा अगर रोहित शर्मा आज 20 रनों की पारी खेल जाते तो मुंबई इंडियंस के लिए T20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे कर लेते। लेकिन रोहित शर्मा आज मात्र 2 रन पर ही आउट हो गए और इसी के साथ वो कई बड़े रिकॉर्ड लगाने से भी चूक गए। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।